सुनते हैं कि आज आपने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस से। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया जनरल सेक्रेटरी पद से और राष्ट्रवादी पार्टी। क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं, वजह हमारे आमदार की थी। हमारे आमदार चाहते नहीं कि हमारी कौम में इत्तेफाक इत्तेहाद रहे। अच्छा। सबके बंटवारे करने का, हाँ, और सबको अलग अलग करने का, सबको मना करने का, तुम इधर मत जाओ उधर मत जाओ। हाँ। जो ना समझ है उन पर अमल कर रहे हैं। हाँ। हम जैसा समझदार है तो उनके चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे। अच्छा। मुसलमान हो गए, मौलाना हो गए, मौलवी हो गए, तबलीग जमातें हो गई, दूसरी जमातें हो गई, सबको यानी कुछ ना कुछ बोलते भी रहना स्टेज से। हाँ। और फिर उनको डिवाइडेशन भी रखते हैं। हाँ। तो कौम को किस जगह ये लेके जा रहा है मेरे समझ में। ये उन्होंने तो दावा किया था कि विकास किया है यहाँ पे मुंब्रा में, कैसा विकास हुआ? जी विकास तो अभी मैं आपको बताऊँ, वापस लोड शेडिंग चालू हो गई। हाँ। अभी बीच में ही उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने फरमाया था कि भाई बीजेपी को लोग बोलते नहीं हैं। हाँ। मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं, कोयला खत्म हो गया तो ये बीजेपी की गलती है। तो मैं उनसे ये कहूँगा मुंबरे के लिए कोयला खत्म हुआ है। हाँ। कलवे में कोयला भरा भरेगा, खंडे रहेगा कलवा के अंदर। हाँ। कलवा में, सील पाटे में, रेती बंदर में, यहाँ कोयला ही कोयला जी। और खाली मुंबरे में ही कोयला खत्म हो। अरे आप आमदार हो जी, आप नगर सेवक नहीं हो जी। नगर सेवक इसमें की कोई बात करे तो समझ में भी आए जी। आमदार इसमें की बात करे कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। हाँ। और उसके अंदर आप ये बोलते कि बीजेपी को बुरा भला बोलो, क्यों कि लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे। कोयला खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? हाँ। तो कोयला खत्म हो तो कलवे के लिए भी खत्म होएगा। हाँ। थाने के लिए भी खत्म होएगा, महाराष्ट्र भर में, महाराष्ट्र भर में ज्यादा में ज्यादा होगा। यानी आज 7-8 घंटे हम गरीबों को क्यों सता रहे? और नहीं, अगर उनको ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो मुंब्रा में, मैंने आज से 3-4 साल पहले बोला था, मुंब्रा में घर रहे जी, नहीं जी, मुंब्रा में यहाँ रहे। हाँ। और इनको ऐसा सोचा कि 10 घंटे लाइट नहीं है तो क्या हाल हो। तो यानी आपका ये आरोप है कि इन्होंने मुसलमानों में एक तो तफरका डाला और दूसरे गुमराही फैला रहे। बिल्कुल। और विकास का नाम कुछ भी नहीं। अच्छा, विकास 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 का तो बड़ा मजाक उड़ गया है यहाँ पर। नहीं, विकास का बिल्कुल देखिए ना, अभी उनके स्टेटमेंट है जी, 1 तारीख में डंडा लाऊंगा। हाँ। और यहाँ से हॉकरों को हटाऊंगा। हाँ। अब हॉकर ही इनको हटाएंगे ऐसा। हाँ। अच्छा अच्छा, ये हॉकर को नहीं हटा सकते। हाँ। लेकिन हॉकर ही इनको हटाएंगे। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये आप जिस तरह से जो है ना बयानात आप देखते चले हैं कि मुसलमान मसीहा की शक्ल में ये नमूदार हुए थे जी, और मुसलमानों के सर पर बैठकर के जो राजनीति करते चले आए हैं जी, और उसके बाद में मुस्लिम कयादत का खात्मा हो गया यहाँ मुंब्रा में, उसके बारे में आपकी क्या तासुरात? नहीं नहीं, आप ये सोचिए, मेरे तो 20 साल पुराने दोस्त हैं जी। शुरू में जब 2009 में आए थे तो बोले मैं 25-20 साल से नहीं, मैं क्या हमेशा खाना खाने आता हूँ। ये अगर जो आदमी अगर नमक का ख्याल नहीं रख सका नईम खान, अल्लाह क्या ख्याल रख। हाय हाय हाय, ये अफसोसनाक बात है जिस तरह से आपने कहा। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपका इस्तीफा हो जाना, अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके इस्तीफे से कोई असर होगा इनके ऊपर? जी, मैं आपको एक बात बता, छोटी सी, मेरे साथ हम लोग तो मुसलमान हो गए, अल्लाह पे ईमान रखने वाले लोगों में थे जी। फिराउन ने 400 साल हुकूमत करी थी। हाँ। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उसको यही घमंड था। हाँ। कि ये मेरा क्या बिगाड़ दी। हाय 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 हाय, यानी आपने औसाफ पे सहाबा और औसाफ पे अंबिया निभाते हुए, तो हम लोग तो वही कौम है ना। हाँ, खुदा की कुदरत पे भरोसा है, खुदा की कुदरत पे भरोसा है जी। और हम लोग तो अल्लाह वाले लोग हैं। हाय हाय, अल्लाह को ज्यादा मानते हैं माशाल्लाह। बाकी ऐसे कितने नेता है और कितने चलेगा वो भी हमने देखा। आप ये हम लोग जब कहते थे कि भाई यहाँ पर गुमराही फैलाई जा रही है सियासी तौर पर, तब शायद जो ना हमारी जबानें बंद करने की कोशिश होती थी। आपके इस्तीफे के बाद में इस बात की तस्दीक होती है कि मुंब्रा में मुसलमानों की कयादत का खात्मा और मुसलमानों में गुमराही फैलाने वाली साजिश सामने आई है। नहीं, मैं तो आपको एक मिसाल देता हूँ जी। हमारे मुहिम अशरफी जी, जिनसे इन्होंने डायरेक्ट वायदा किया था कि मैं आपको कब्रिस्तान अलॉट करके देता हूँ जी, आज कितने साल हो जी, यानी कितना बेवकूफ बना रहा हो आप। हाँ, मैं आपको ये करके देता हूँ, मैं आपको वो करके देता हूँ। हाँ। आपने कुछ नहीं करके, लेकिन उनके कारिंदे कह रहे हैं कि बाईपास पे उनका हजरत मुसन्ना मियां का नाम डलवाना चाहते हैं। बाईपास पे तो ये खुद कब्जा करना चाह रहा है। अच्छा, ये 9 तारीख जो अभी एक आंदोलन करने वाले हैं। हाँ, हाँ। और बाईपास के एक नाम के ऊपर क्या इसको प्राइवेटाइजेशन करो। हाँ, हाँ। और हम टोल चालू करो और हम ही हम कमाए। अच्छा अच्छा, बाकी ये कौम जो है ना वो सिर्फ टोपी लेके खड़ी हो जाए
मस्जिद के बाहर और लेती रहे। अच्छा अच्छा, ये आप मेरा जो आरोप है ये देखिए, 9 तारीख को ये क्या बोलते हैं बाईपास के बारे में। सर कुछ कुछ मुसलमान भी जो है ना, आज भी जो है उनके साथ में एकदम खंबीर खड़े हुए हैं, एकदम अटल खड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या तासुरात है सर? जफर भाई आपको तो मालूम है इस कौम का। जी जी, मुनाफिकीन अल्लाह ने कुरान में फरमाया। जी जी, और कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। जी जी जी, तो हमारी कौम में मुनाफिकीन भी हैं। जी 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 जी, अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। अल्लाह उनको नेकी अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। क्या बोलते सर, ये अभी आप आपने इस्तीफा तो कर दिया, लेकिन आप हमें यकीन है कि आप खामोश नहीं होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या करने वाले हैं? नहीं, उसकी वजह ये देखिए जी, मेरी कौम के सामने मैं 2019 में इनके सामने खड़ा होऊंगा। अच्छा, अब ये कौम फैसला कर ले, कौम को कौन पसंद है। अच्छा, मैं पसंद हूँ। हाँ, जन्नती। हाँ, साथ में चल लेंगे। जी जी, या फिर जहन्नमी। अच्छा अच्छा अच्छा, दो फैसले हैं कौम के सामने। जी 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 जी, वो उनको डिसाइड करना। जी 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 जी, समझा? हाँ, यानी अहले हक है या अहले बातिल। जी, बहरहाल सर ये अभी एक बात बताइए, अब आपने यहाँ सियासी जो एक तूफान आ गया है, एक सुनामी आ गई है आपके इस्तीफे के बाद, आप आइंदा किस पार्टी में जाने वाले? देखिए अभी तो बहुत सारी पार्टियों ने अप्रोच किया मेरे को, जैसे उनको मालूम पड़ता गया। जी, उसमें कांग्रेस भी है, एमएम भी है, सेना भी है। जी, आप समझिए। जी, तो बहुत से लोग हैं, अभी नाना नाने के लड़के का फोन था। जी जी, वो भी है। अच्छा, तो सब इसके बारे में सोच विचार करूँगा मैं। हाँ हाँ, एक आठ एक दिन में, क्योंकि अभी मेरी भी तैयारी मुझे करना है। जी जी जी, और किस पार्टी को मैं मजबूत कर सकता हूँ। अच्छा, किसको आगे लेके चल सकता हूँ। हाँ, जब अल्लाह का करम है। हाँ, क्या ये हाजी के मुंह से निकला था कि 50,000 मतों से इनको मैं ज्यादा जिताऊंगा। हाँ, इन्होंने उसका चेहरा तो नहीं दिया। हाँ, लेकिन जब एक किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, तो अल्लाह मेरी वो इज्जत रखेगा जब मैं खुद 50,000 मतों से जीत के इनके सामने। इंशाल्लाह। बहरहाल अभी जिस तरह से अभी आपकी जिस तरह से कुकर जो है ना बार बार सीटी मारता है, आपने कई मरतबा इशारा दिया उसके बावजूद सुधार नहीं आया। अब जो जिस तरह से ये ब्लास्ट हो गया, एक तरह सियासी ब्लास्ट, सब थाने वाले और आसपास के जो राष्ट्रवादी वाले हैं उनके क्या तासुरात होंगे आपके? नहीं, मैंने तो देखिए एक एक जुमले में लोगों को समझा दिया। जी, कि जिस आदमी ने 20 साल नमक खाया। जी, और वो टाटा नमक है या ओरिजिनल नमक है, तो वो डिसाइड करे। आला आला कमान जो है राष्ट्रवादी का, इससे यानी अफसुर्दा हमको खबर मिली है कि अफसुर्दा परेशान है। देखिए आला कमान जो है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जी, बड़े बड़े नेता हैं। जी, उनका आधार करता हूँ। जी, उनका कुछ इसमें लेना देना नहीं। जी, जब नीचू ही किताब गलत है, और पता नहीं पवार। अच्छा, साहब को 2-3 बार बोला था। हाँ, लेकिन वो अपने कामों में अपनी चीजों में इतना मसरूफ थे। जी, क्योंकि उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, बीजेपी थे, ये था वो था, इधर जाऊं उधर जाऊं। जी, तो वो इन चीजों में इतना बिजी हो गए थे। हाँ, हाँ, तो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, इसके लिए मजबूरन मेरे को इस्तीफा देना। अच्छा अच्छा, पर आप जी, और आपने तो देख लिया जी क्या पॉपुलैरिटी क्या होती है, 2009 में क्या थी। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इनसे बिछड़ते गए। जी, और दूसरे अपना कारवां बनाते गए। हाँ, आज आपने कलवा में खुद हालत देखी। हाँ, क्या 15 लोग थे। हाँ, 500 सिपाही थे। 2 मिनट ट्रेन रोकने का था। हाँ, और सीधा उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, ट्रेन अपने टाइम पे चली, कोई ट्रेन रास्ता रोको कायदे का हुआ नहीं। हाँ, तो ये तो हाल, इनको खाली एडवर्टाइजमेंट चाहिए। इससे पहले भी तो जो है ना उधर वो जो कलेक्टर ऑफिस किया था, वो एक सिलेंडर वगैरह लेकर के उधर गए थे। मैंने आपको क्या कहा, इनको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चाहिए। अच्छा, लोगों को बेवकूफ बनाने का, कि मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ। हाँ, चाहे 5 आदमी हो या 50 आदमी हो। हाँ हाँ, बस चाहे बैलगाड़ी पे हो या गाड़ी में हो। हाँ हाँ हाँ, इनका यही काम। अच्छा, और अब जब हम लोग मैदान में उतरेंगे। हाँ, इंशाल्लाह पता चलेगा इनको। अच्छा, क्या मोर्चे क्या होते हैं। हाँ, जलजले कैसे होते हैं। अच्छा, तूफान कैसे होते हैं। सियासी सियासी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में 2 लोग हैं। जी, एक नरेंद्र। जी, और एक जितेंद्र। हाय हाय हाय, ये दोनों के पास अपोजिशन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन अब पैदा हो गई। अब इंशाल्लाह कांग्रेस भी मजबूत हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र के लिए नरेंद्र, और इंशाल्लाह मैं नईम खान है। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, शुभकामनाएं सब। बहुत बहुत आप लोगों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों का साथ चाहिए। जी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अच्छी तरह एक बात को समझता हूँ। जी,
इन्होंने एक स्लोगन दिया था जी, सोच बदलो मुमरा बदलेगा। हाँ जी, मैं बोलता हूँ हाँ, सोच बदलो नेता बदलो, तो मुमरा बदलेगा। मुमरा बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।